गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में जो कि अंडर 25,000 तुम्हें मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, मैंने एक नया गेमिंग चैनल ओपन किया है, तो फटाफट से जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि काफी सारे गेम्स के कंटेंट यहाँ पे आते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और आई वाला बटन चेक करो, जाकर के सब्सक्राइब करो, बहुत मजेदार वीडियो वहाँ पे आते हैं। अगर तुम्हारा लैपटॉप से बेसिक काम है या फिर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें पढ़ाई करनी है, या फिर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट और तुम्हें कोडिंग वगैरह करनी है, या फिर तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है, तो ये लैपटॉप्स तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगी क्योंकि इन लैपटॉप्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25,000 के अंदर है। तो लिस्ट पे सबसे पहले नंबर पे आता है HP 15। दोस्तों ये लैपटॉप काफी ज्यादा डिसेंट सा है एंड ये सिर्फ और सिर्फ 25,500 रुपए के अंदर दिख जाएगा। प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है इंटेल सेलेरियन N4500, 2 कोर 2 थ्रेड वाला रैम मिल जाता है, 8GB का DDR4, 2933 मेगाहर्ट्ज वाला, एंड रैम हम अपग्रेड नहीं कर सकते, स्टोरेज 512GB की SSD लगी हुई है, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा फास्ट है, प्रोसेसर भी अच्छा खासा है, तुम्हारा बेसिक काम सारा चीजें आराम से निकाल देगा। डिस्प्ले में 15.6 इंचेस का HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% की NTSC। एंड ये इसके अंदर हमें MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिलता है। पोर्ट्स की बात करें तो एक USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI पोर्ट भी मिलता है, 3.5mm का जैक मिलता है एंड एक SD कार्ड रीडर। दोस्तों सेम स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे एक और लैपटॉप देखने को मिलता है जो कि Lenovo V15 है, सेम स्पेसिफिकेशन है लेकिन एक में हमें MS Office नहीं मिलता और एक में MS Office मिलता है, तो 6,500 का डिफरेंस तुम्हें दिख जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो Asus VivoBook Go 14, प्रोसेसर की बात करते हैं इंटेल सेलेरियन N4500 वाला 10th जनरेशन, 2 कोर 2 थ्रेड वाला मिलता है, काफी अच्छा खासा प्रोसेसर है। रैम की बात करें तो 8GB का DDR4 रैम है जो कि हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, स्टोरेज 256GB है, जेन 3 की SSD लगी हुई है, स्टोरेज थोड़ा सा कम है लेकिन एक्सपेंड कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इंटेल UHD ग्राफिक्स मिलता है, MS Office 365 मिलता है, पोर्ट्स की बात करें तो एक HDMI पोर्ट, एक 3.5mm का जैक, 3 USB पोर्ट मिलते हैं जिसमें से एक USB Type-C है और 2 USB Type-A, 14 इंच का FHD AG डिस्प्ले मिलता है, 45% NTSC, 200 निट्स की ब्राइटनेस और 60Hz का रिफ्रेश रेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ जो कि है Asus VivoBook 15। इसकी प्राइसिंग तुम्हें 27,000 के आसपास मिल जाएगी। प्रोसेसर यहाँ पे मिलता है हम लोगों को इंटेल सेलेरियन N4020 10th जनरेशन, 2 कोर 2 थ्रेड, रैम 8GB का DDR4, एक्सपेंड कर सकते हैं 24GB तक, स्टोरेज मिलता है 512GB का जेन 3 SSD और ये भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, काफी बढ़िया स्पेक्स देखने को मिलता है। 15.6 इंचेस का HD AG डिस्प्ले, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 45% की NTSC एंड 220 निट्स की ब्राइटनेस। भाई फीचर तो देखो सेम मिलेगा, इंटेल UHD ग्राफिक्स और MS Office 365। पोर्ट्स की बात करें तो एक HDMI पोर्ट, एक 3.5mm का कॉम्बो एंड USB 3.2 जेन का टाइप सी और 2 USB 2.0 का टाइप ए और एक USB टाइप ए। अब बात करते हैं Lenovo V15 G4 की, 26,000 के अंदर हमें ये लैपटॉप मिलता है। प्रोसेसर हमें यहाँ पे 7000 सीरीज वाला AMD Athlon 7120U वाला देखने को मिलता है जिसमें 2 कोर 2 थ्रेड है, Geekbench 5 का स्कोर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। रैम की बात करें तो 8GB LPDDR5 रैम देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो DDR2, 3, 4, 5 के बीच का डिफरेंस, एंड स्टोरेज मिलता है 512GB का SSD, 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर AMD Radeon 610M वाला ग्राफिक कार्ड। पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI 2.1, 3.5mm का जैक और एक इथरनेट मिलता है। अब बात करते हैं Lenovo V15 की बारे में। अरे भैया अभी तो V15 की बात करी थी, नहीं भाई वो V15 G4 था, ये सिर्फ और सिर्फ V15 है। सबसे पहले इस लैपटॉप के अंदर में मिलता है MS Office। बात करें इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में मिलता है AMD Ryzen 3 7320U 7000 सीरीज वाला, 4 कोर 8 थ्रेड, समझ रहे हो। रैम मिलता है 8GB का LPDDR5 रैम, 5500 मेगाहर्ट्ज का, अच्छे खासे लैपटॉप में भी ये रैम नहीं मिलता है, स्टोरेज 512GB का जेन 4 SSD मिलता है, इसको तुम एक्सपेंड कर सकते हो। बात करें डिस्प्ले की तो 15.6 इंचेस का FHD TN-AG वाला डिस्प्ले मिलता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और MS Office का ट्रायल तो मिलता है। पोर्ट्स की बात करें तो एक USB-C 3.2 Gen 1, 2 USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, ईथरनेट का मिलता है और 3.5mm का कॉम्बो। अब जिस लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं वो इन सब का बाप है, Acer Aspire Lite। दोस्तों ये लैपटॉप तुमने कहीं जगह देखा होगा, सुना होगा, बट ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि 25,000 के अंदर तुम्हें लैपटॉप मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो भाई AMD Ryzen 3 5300U 5000 वाला सीरीज है, ठीक है, बट
चार कोर एंड 8 थ्रेड मिलते हैं। ये प्रोसेसर 25,000 के अंदर बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। लैपटॉप हम लोगों को मिलता है एकदम मेटल बॉडी में, मस्त एकदम चिकचिका सा, देखने को यूज करोगे तो पता लगेगा कि भाई कुछ यूज कर रहे हैं। बेटर देन प्लास्टिक बिल्ड है सबसे पहली चीज। 8GB का DDR4 रैम मिलता है, अपग्रेड कर सकता है 32GB तक। 512GB का Gen 3 SSD मिलता है। 15.6 इंचेस का FHD TN-AG वाला डिस्प्ले मिलता है। बात करें पोर्ट्स की तो एक USB 3.2 Gen 1 Type A, दो USB 2.0 Type A, एक USB 3.2 Gen 2 Type C। तो दोस्तों ये थे कुछ गिने चुने लैपटॉप जो कि 25,000 के अंदर तुम लोगों को मिल जाएगा। इसमें से तुम लोग स्पेक्स वगैरह देख करके ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग या तो Acer Aspire Lite लो या फिर तुम लोग Lenovo 15G4 लो। वीडियो तो तुम लोगों ने देख ली, तो जाकर के मेरे नए वाले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।